आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा। आजमगढ़ जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़, सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कराटा खेल में पदक जीतने वाले छात्र छात्राओं को प्रबंधक ने किया सम्मानित। आजमगढ़ जिला के तहबरपुर ब्लॉक के टीकापुर गांव में स्थित हरि कृष्ण पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक प्रदीप राय ने कराटा खेल में फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नेशनल चैंपियन में स्वर्ण पदक, सिल्वर मेडल और कांस्य पदक जीतने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। सम्मान पाने वाले छात्र छात्राओं में विवेक राजभर, उज्ज्वल सिंह गोल्ड, बरखा शर्मा, अभय यादव और उमाकांत मौर्य सिल्वर, शिवानंद राय और उपेंद्र यादव ने कांस्य पदक प्राप्त कर अपने क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया। इस मौके पर कराटे ट्रेनर कृष्ण कुमार यादव, ईश्वर चंद यादव, गोपाल मौर्य, अजय कुमार, विजय चंद गौतम, मनोज यादव सहित आदि गणमान्य लोग मौजूद थे। न्यूज 9 भारत के यूपी हेड रोशन लाल से विद्यालय प्रबंधक प्रदीप राय और कराटे के टीचर कृष्ण जी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। न्यूज 9 भारत के लिए अपने सहयोगी आनंद गुप्ता के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट। प्रोग्राम चल रहा है, इसका मकसद क्या, उद्देश्य क्या? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार का भी योजना है खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है इस समय, तो इसी के अंतर्गत ये भी प्रोग्राम है और ये बच्चों को शुरू से प्रशिक्षण दिया जाएगा कराटे का, ताकि भविष्य में चल के आगे जिले का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें और हम चाहते हैं कि हमारी प्रतिभाएं जो है आगे बढ़ें, जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, हमारे बच्चे वहां तक अपना ये करें, अपना प्रदर्शन करें और इसमें जीतें। और इसमें अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक जीते हैं और स्टेट चैंपियनशिप में भी पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल तक जीते हैं, तो ये ग्रामीण क्षेत्र में अब तक कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता था, तो इसके लिए हमारे मित्र कृष्ण कुमार यादव जी इन्होंने हमको कहा कि अगर इस तरह कोई प्रोग्राम हो तो बहुत अच्छा है, तो उसके लिए हमने तुरंत हाँ कर दिया। हमने कहा कि बिल्कुल, हमारा विद्यालय आपके लिए 24 घंटे खुला है, जब चाहे आप यहाँ प्रशिक्षण दें, जो भी कार्यक्रम आपका हो वो करिए और हमारा हर तरह से हमारा साथ रहेगा, सहयोग रहेगा। और इसके लिए आप लोग आए, मीडिया वाले आए, इतने बच्चे आए भिन्न भिन्न विद्यालयों से, प्रशिक्षक लोग आए, कराटे से जुड़े लोग आए, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और इसके लिए धन्यवाद। सर, कृष्णा यादव जी आपके मित्र और गोपाल मौर्य जी अपनी टीम के साथ इन बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देखा जाता है कि बच्चों के अंदर प्रतिभाएं तो होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक अभाव में वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप लोग क्या स्कीम निकाल सकते हैं कि वो बच्चे आगे चलें और अपने हौसले को पूरा करें? देखिए, ये सही बात है, ग्रामीण स्तर पे प्रतिभाओं को मौका नहीं मिलता उतना जितना कि बड़े शहरों में या बड़ी जगहों पे मिल पाता है। और हम खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानते हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से खेल से जुड़े रहे हैं, कृष्णा भी बचपन से हमारे साथ सारे गेम्स में रहे हैं और ये लगभग सारे गेम्स खेलते हैं, मतलब कोई ऐसा गेम नहीं जिनमें इनको महारत ना हो। और हम लोग भी जुड़े रहे हैं, हमारे भाई प्रवेश रहा है, वो भी अच्छे क्रिकेटर थे, कृष्णा क्रिकेटर भी बहुत बढ़िया है मैं आपको बता दूं, और ये ऑलराउंडर थे, अपने ज़माने में बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, बैटिंग भी इनकी बहुत बढ़िया थी, और ये जुझारू किस्म के खिलाड़ी हैं, जिसमें लग जाते हैं उसमें पहले चाहते हैं कि अपने को फर्स्ट लाएँ, तो शुरू से ही इनका रहा। और अभी तक भी मैंने कोशिश, अभी पिछले 2 साल में कोरोना पीरियड में
जब पूरा देश बंद हो गया था तो हमको लगा कि कुछ यहाँ पे नया किया जाए, तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया और यहाँ पे हम लोगों ने बैडमिंटन कोर्ट बनवा दिया। और देख ही रहे हैं आप यहाँ पे, तब से लगातार यहाँ तक कि मैं भी इनके साथ खेलता हूँ, 2-3 घंटे रोज शाम को प्रैक्टिस होती है। और हम चाहते हैं, हमारी योजना ये है कि भविष्य में एक बैडमिंटन का इंडोर स्टेडियम मैं यहाँ बनवाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो सर, कुरुक्षेत्र में एक कृष्ण ने अर्जुन को संभाला था, इस खेल के क्षेत्र में इस कृष्ण जी ने आपको संभालने का प्रयास किया है, इन बच्चों को किस तरह से संभालेंगे आप? बच्चों को देखिए, हमारी तरफ से पूरी, मैं आज ये घोषणा कर रहा हूँ कि जैसे कि कृष्णा को भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनको वो नहीं मिल पाया, इन जाना चाहते थे, इनके पास पैसे की आर्थिक तंगी थी जिसकी वजह से अपने उसमें भाग नहीं मिल ले पाए, किसी कंपनी या कोई व्यक्तिगत लोगों ने सहयोग नहीं किया। हालांकि उस समय मुझको ये बात नहीं मालूम थी, नहीं तो मैंने अपनी तरफ से हर प्रयास किया होता। तो अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी किसी बच्चे के साथ, और भविष्य में मैं ये वादा करता हूँ कि अगर कोई खिलाड़ी किसी भी स्तर पर जाना चाहेगा और उसको कोई इस तरह की आर्थिक और इस तरह की दिक्कतें आएगी तो मैं पूरा सहयोग अपनी तरफ से करूँगा। इसे कड़ी में हम जानना चाहेंगे, महिला होकर पुरुषों का जिगर रखती हैं, हर वक्त खेल के लिए अपने हर वक्त खेल के क्षेत्र में बच्चों को और खुद को आगे बढ़ने के लिए पल पल पे नजर रखती हैं। गोपाल मौर्या जी की धर्मपत्नी जी हैं, आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस खेल के माध्यम से आप क्या दिखाना चाहती हैं, देश को क्या सेवा करना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। मुझे कराटे के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर शादी होने के बाद मुझे सब कुछ पता हो गया कराटे के बारे में। मैं भी कराटे सीखती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ कराटे सीखना चाहिए और अच्छा भी लगता है सीखने में और अपनी सुरक्षा भी हम कर सकते हैं। बस मैं यही मैडम जी, जैसा कि विद्यालय के प्रबंधक जी प्रदीप राय जी बहुत बड़ी बात बोल गए कि आप जितने लोग खेल खेलने वाले इन बच्चों के लिए हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे उच्च विचार वाले महान पुरुष के लिए आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। बहुत से बच्चे अब की बारी नहीं जा पा रहे थे, पर बहुत लोगों ने सपोर्ट किया तब बच्चे उस स्तर पे गए पैसे खेलने। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सर ऐसा करेंगे। बच्चों, वैसे तो आपने बरसात को आसमान से नीचे टपकते देखा होगा, लेकिन आइए आज एक ऐसी वर्षा से मुलाकात कर रहे हैं जो आपसे बात करेंगी, खेल करती हैं, कूद करती हैं। जी वर्षा जी, बताइए आप खेल के बारे में, कहाँ से आपके दिमाग में आया कराटा सीखना? बस नहीं मैडम जी, जैसा कि विद्यालय के प्रबंधक जी प्रदीप राय जी बहुत बड़ी बात बोल गए कि आप जितने लोग खेल खेलने वाले इन बच्चों के लिए हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे उच्च विचार वाले महान पुरुष के लिए आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। बहुत से बच्चे अब की बारी नहीं जा पा रहे थे, पर बहुत लोगों ने सपोर्ट किया तब बच्चे उस स्तर पे गए पैसे खेलने। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सर ऐसा करेंगे। बच्चों, वैसे तो आपने बरसात को आसमान से नीचे टपकते देखा होगा, लेकिन आइए आज एक ऐसी वर्षा से मुलाकात कर रहे हैं जो आपसे बात करेंगी, खेल करती हैं, कूद करती हैं। जी वर्षा जी, बताइए आप खेल के बारे में, कहाँ से आपके दिमाग में आया कराटा सीखना, क्यों कराटा सीखना चाहती हैं, क्या बताइए? मैं अपने मन से कराटे में नहीं आई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता रही हूँ। मेरे सेंसेई गोपाल मौर्या सर जिन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आओ कराटे में, तो उनके कहने पे मैं कराटे में आई एंड ये मेरे लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट बन चुका है, एक बेस्ट पार्ट बन चुका है। मतलब कि मैं इस पोस्ट तक पहुंच चुकी हूँ, मैंने नेशनल भी खेल लिया और पोजीशन भी हासिल कर ली इतने कम समय में, अभी 2-2.5 साल भी मेरा पूरा नहीं हुआ ट्रेनिंग का, पर सर की बदौलत सर ने मुझे इस दुनिया में लेकर आया, कराटे की दुनिया में लेके आया, इस वजह से मैं इस कराटे की दुनिया में इतनी प्रतिभा हासिल कर चुकी हूँ। नारी सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, उसमें कहाँ तक आप हेल्प करेंगी? जहाँ तक मेरी जान रहेगी, मेरी जान में जान रहेगी और मेरे पास पावर रहेगी, मैं तहाँ तक सबकी हेल्प करूँगी। बहुत खूब, चलती है जब बादलों को छोड़कर बरखा, तो रख देती है अपराधियों का हाथ तोड़कर बरखा। नारी सशक्तिकरण के लिए
न्यूज़ 9 भारत के लिए अपने सहयोगी आनंद गुप्ता के साथ रोशन लाल। गोल्ड मेडल उज्जवल सिंह, वेरी गुड उज्जवल। अभी जाइए मत, जाइए एक बार साथ में ग्रुपिंग होगी, अभी जाइए नहीं, अभी सबको मिला। और नेशनल में सिल्वर मेडल। एक चीज से महज 10 सेकंड अगर वही संभाल ले गया होता जीत गया था। ये अभी 10 सेकंड का जो अंतर वही है। स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट और नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट। क्लैपिंग क्लैपिंग। गोल्ड मेडलिस्ट बरखा शर्मा और सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं नेशनल चैंपियनशिप में। क्लैप फॉर। फाइट करते रहे हैं, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से बस इनका ब्रॉन्ज आया है, अदरवाइज इनका भी गोल्ड रहा होता है। इनके लिए भी तालियां। इनकी अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे वर्क की वजह से इन्हें गोल्ड मेडल यहां पे दिया जा रहा है। अरे चैंपियन ऑफ चैंपियन हुए थे विवेक राजभर, चैंपियन ऑफ चैंपियन थे। इसका मतलब ये हुआ जितने लोग जीत के आए हुए थे उन जीते हुए में भी कंपटीशन किया गया था। जो लोग जीत के अपने आप को बेस्ट साबित किए थे, विवेक उन लोगों को पीट करके अपने आप को ऑल द बेस्ट साबित किए थे। अब मैं अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।